हाय फ्रेंड्स, अगर आप अमेज़ॉन में जॉब पाना चाहते हो और घर बैठे काफ़ी अच्छे पैसे कमाना चाहते हो तो फ्रेंड्स अभी अमेज़ॉन में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी चल रही है। अगर आपने 10th पास कर रखी है, 12th पास कर रखी है या आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप आसानी से यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हो। फॉर्म फिलअप का यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल आप फ्री में फॉर्म भर सकते हो। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको कंप्लीटली फॉर्म फिलअप करके दिखाने वाला हूँ और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको 48 आवर में पता चल जाता है कि आपने फॉर्म फिलअप किया है, आपको जॉब मिली है या नहीं मिली है। तो मैं चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जहाँ पर मैं आपको कंप्लीट फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर आपके लोकेशन के अनुसार आप काफ़ी अच्छी जॉब यहाँ पर पा सकते हो। तो फ्रेंड्स आपको अगर अमेज़ॉन में जॉब करनी है तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को कंप्लीटली देख लेना। तो मैं चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जहाँ पर मैं आपको पूरा कंप्लीट फॉर्म फिलअप करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स हमारे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर यहाँ पर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हो, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है और फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, आपको लिंक को कॉपी करके आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र में आपको आ जाना है। क्रोम ब्राउज़र में आपको इस लिंक को कॉपी करके इसके बाद आपको यहाँ पर इन 3 डॉट पर क्लिक करना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर देना है ताकि फ्रेंड्स आपकी जो लैपटॉप में स्क्रीन खुलती है वो स्क्रीन आपके सामने इस तरह से काफ़ी अच्छी यहाँ पर स्क्रीन यह ओपन हो जाएगी। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको पूरा पेज यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर कंप्लीट यहाँ पर देखना है, काफ़ी नीचे यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको सभी जॉब यहाँ पर दी हुई है, जो भी यहाँ पर ओपन चल रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखते हो यहाँ पर सभी यहाँ पर स्टेट में ये जॉब चल रही है, यानी कि जिन शहर में चल रही है जिनमें आप अप्लाई करना चाहते हो आप आसानी से यहाँ पर कर सकते हो स्टेट या शहर में। तो फ्रेंड्स अगर आपके शहर में अगर नहीं है आपके पास वाले में आप अप्लाई कर सकते हो और फ्रेंड्स अगर आप चाहते हो तो इनमें किसी में भी आप कर सकते हो। साथ ही फ्रेंड्स अगर आप चाहते हो आपके नियरेस्ट चाहिए आपको तो फ्रेंड्स यहाँ पर सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है, इस सर्च बॉक्स में आप टाइप करके आप अपने नियरेस्ट जॉब भी पा सकते हो। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप घर बैठे अपने मोबाइल से यहाँ पर आपको पैसे कमाने, अगर आपने 12वीं पास कर रखी है या 12वीं से आप ऊपर आपने कोई भी पढ़ाई कर रखी है तो आप यहाँ पर ईजिली अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे कि एक जॉब का मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ इसमें क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी और कितने आपको यहां पर सैलरी मिल सकती है। तो फ्रेंड्स यहां पर आपको जैसे कि एक जॉब दी हुई है वर्चुअल कस्टमर सर्विस एसोसिएट एमपी में, ठीक है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में। यहाँ पर व्यू जॉब डिस्क्रिप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ समझाता हूँ, जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पर एक लिखा हुआ है नॉलेज एंड स्किल रिक्वायर्ड कम्युनिकेशन स्किल। ठीक फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि फ्रेंड्स रिटन एंड वर्बल, यानी कि फ्रेंड्स आपकी बोलने की भाषा काफ़ी अच्छी होनी चाहिए जिससे आप इन कस्टमर को कन्वेंस कर सको, ठीक है फ्रेंड्स, उनकी हेल्प कर सको। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटेशन की स्किल भी आपकी काफ़ी चीनी चाहिए। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ वर्क सक्सेसफुल इन अ टीम इन्वायरमेंट एज वेल इन, ठीक फ्रेंड्स यहाँ पर आप कंप्लीट देखते हो आपको कंप्लीट एक टीम के साथ काम करना है और काफ़ी अच्छा जितना आप काम करोगे उतनी अच्छी आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी और आपके यहाँ पर प्रमोशन के चांस भी रहते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हो कंप्यूटर नॉलेज एंड स्किल यहाँ पर देखते हैं हम। फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो आप एबिलिटी टू यूज़ अ डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम, जैसे कि फ्रेंड्स ये जो भी मैं आपको इसका एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ, यानी कि फ्रेंड्स आपको आप डेस्कटॉप कंप्यूटर आप जो भी लैपटॉप कंप्यूटर है फ्रेंड्स उसको आपको थोड़ा बहुत चलाना आना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पर आपकी अगर टाइपिंग स्किल काफ़ी अच्छी होगी तो आपको जितने काफ़ी जॉब मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांस रहेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपकी टाइपिंग स्किल थोड़ी कम है तो भी कोई बात नहीं, आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, हो सकता है आप सभी को यहाँ पर आसानी से यहाँ पर जॉब मिल सकती है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को यहाँ पर जॉब मिल सकती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एबिलिटी टू सक्सेसफुली अडैप्ट टू चेंज इन द वर्क एनवायरनमेंट, ठीक फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देख सकते हो, अब मैं आपको कुछ और चीज़ समझाता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर कस्टमर फोकस है, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है आपके जो भी एक अमेज़ॉन के कस्टमर होते हैं उनको आपको सेटिस्फाइड करना होता है। हर एक जॉब में अलग अलग स्किल है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको देख लेता हूँ आपको बताता हूँ यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपके पास होनी चाहिए, यानी फ्रेंड्स जो भी इनका कस्टमर होता है फ्रेंड्स उनकी जो भी प्रॉब्लम होती है उनको आपकी हेल्प करनी होती है, हेल्प करने की स्किल आप में होनी चाहिए, उनको समझाने की आप में तकनीक होनी चाहिए, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको उनसे बोलने की थोड़ा आपको बोलने का ध्यान रखना है और उनको कंप्लीट अच्छे से समझाना है ताकि आपको जॉब आसानी से मिल जाए फ्रेंड्स, ये स्किल रहेगी। अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें कि आपके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपने कौन सी पढ़ाई की होनी चाहिए, जैसे कि फ्रेंड्स ये जॉब मैंने आपको बताई थी इसमें फ्रेंड्स चाहिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 यानी ग्रेजुएट, यानी फ्रेंड्स अगर आपने 12वीं कर रखी है या ग्रेजुएशन आपने कर रखी है तो आप इजीली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो या क्लियरली आप लाइन पढ़ सकते हो। बेनिफिट NSA OT इंटरनेट अलाउंस एंड जेटा मील कार्ड, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर बेनिफिट ये मिलेंगे आपको, इंटरनेट अलाउंस मिल जाएंगे, जेटा मेटल कार्ड मील कार्ड भी आपको यहाँ पर इजीली मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये जॉब थी इसके बारे में आपको कम्प्लीटली आपको बता दिया। अब फ्रेंड्स आपको अप्लाई कैसे करना है, मैं आपको सिर्फ एक जॉब का बता रहा हूँ या दो जॉब का बता दूंगा, उसके अलावा आपको जो भी जॉब चाहिए उसमें आप यहाँ पर इजीली अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अप्लाई करने के लिए सिंपल आपको इस अप्लाई के बटन पर टैप करना है, जैसे आप यहाँ पर टैप करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा जहाँ पर आपको ध्यान रखना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना, आपको आई एम नॉट अ रोबोट इस पर टिक कर देना है, टिक करने के बाद ये आपको वेरीफाई कर लेगा आप रोबोट नहीं हो, इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे फ्रेंड्स आपके सामने कुछ नया पेज ओपन
ओपन होगा जहाँ पर आपको कुछ अपनी बेसिक डिटेल देनी होगी। ठीक है, तो ये पेज यहाँ पर ओपन होता है, तब वेट कर लेते हैं। अपन जैसे कि जॉब ओपन हो चुकी है, यहाँ पर ये फॉर्म फिलअप का यहाँ पर ओपन हो चुका है। अपन जैसे कि मैंने ये जॉब चुनी थी, अब देखते हो यहाँ पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गई है। सेलेक्ट होने के बाद अब फ्रेंड्स आपको आपकी पर्सनल डिटेल देनी होगी। पर्सनल डिटेल में आपको देख सकते हो यहाँ पर फर्स्ट नेम देना होगा आपका, जो भी नाम है, मिडिल नेम अगर है तो आप दे सकते हो वरना छोड़ सकते हो। इसके बाद लीगल लास्ट नेम यानी कि फ्रेंड्स आपके जाति सरनेम जो भी है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। जिन पर ये रेड स्टार लग रहा है फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, उनको आपको कंप्लीट फिलअप करना है, उनको आप छोड़ नहीं सकते हो, उसको स्किप नहीं कर सकते हो। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मेल आईडी डालनी होगी। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, आपके अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर आपके पास दूसरा मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो, अगर नहीं है तो इसको छोड़ सकते हो। अब इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना होगा, मेल फीमेल, ठीक है, जो भी है आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में आपको लैंग्वेज डिटेल यहाँ पर फिलअप करनी होगी, आपकी मदर का यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए जो भी है। इसके बाद हिंदी सेलेक्ट किया जैसे मैंने, प्लीज़ मेंशन योर रीडिंग फ्रेंड्स इन मदर टंग। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, अगर आप बिगिनर हो तो यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपकी मदर के लिए, आप इसको नो भी कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मैंने तो थोड़ा यहाँ पर थोड़ी गलती होगी। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अपनी मातृभाषा का चयन करना है, मैंने हिंदी सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पर आप चाहते हो बिगिनर यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, प्लीज़ मेंशन यूर स्पीकिंग। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर अब आपको यहाँ पर मातृभाषा का वापस से यहाँ पर सेलेक्ट करने को बोल रहा है। यहाँ पर जो भी आप चाहते हो वो सेलेक्ट कर सकते हो अपने अनुसार। अब फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे आपको दिया हुआ बेस्ड ऑन यूर प्रोफिशियंसी प्लीज़ सेलेक्ट लैंग्वेज, आपको आपके यहाँ पर भाषा सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद आपको यहाँ पर वापस से यहाँ पर अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आप बिगिनर सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आप यहाँ पर चाहते हो सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर लैंग्वेज फर्स्ट सेलेक्ट करनी होगी, यहाँ पर आप चाहते हो इसको कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये डिटेल सभी आपको यहाँ पर फिल करनी है। अब फ्रेंड्स जो भी यहाँ पर है इनके ऊपर मैंने बोला था ये स्टार एक पर लगा हुआ, इस बाकी अदर को आप छोड़ सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये फर्स्ट वाला आपको फिलअप करना है, जिन पर ये रेड स्टार इनको आप फिल कर देना आपके अनुसार। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर वॉलेंट्री सेल्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी, यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे यहाँ पर नो आई डोंट हैव अ डिसेबिलिटी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप आपकी शारीरिक थोड़ी को मतलब परेशानी है फ्रेंड्स तो आप यहाँ पर यस करोगे, वरना आप इसको नो कर देंगे। नो करने के बाद आपको सिटीजनशिप यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी, अगर आप इंडियन हो तो इंडियन सेलेक्ट कर देना। इसके बाद आपको एड्रेस डिटेल यहाँ पर फिलअप करनी होगी, आपका एड्रेस जो भी है यहाँ पर सिलेक्ट आपकी सिटी सेलेक्ट करनी होगी, जो भी आपकी सिटी यहाँ पर एंटर कर दोगे। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पर सिटी एंटर करने के बाद आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, आपका स्टेट सेलेक्ट करना होगा, स्टेट के बाद आपको पिन कोड डालना होगा। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पर आपको आपका जॉब डिस्क्रिप्शन में जो भी आप यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आप जहाँ पर अभी ये जॉब चल रही है वहाँ पर ही आप रहते हैं या नहीं। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पर हो तो यस वरना नो पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको हाईएस्ट एजुकेशन प्रोफाइल सेलेक्ट करनी होगी, आपने कहाँ तक की पढ़ाई कर रखी है, टेंथ कर रखी है, टेंथ सेलेक्ट करना, 12th कर रखी है या डिप्लोमा कर रखा है तो आप ये सेलेक्ट करना। 3 ईयर डिप्लोमा कर रखा है अंडर ग्रेजुएट यानी कि आप ग्रेजुएशन आपकी चल रही है अभी तो आप सेलेक्ट करोगे। अगर आपने कंप्लीट ग्रेजुएशन हो चुकी है तो आप यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट पर क्लिक कर दोगे। ग्रेजुएशन से अगर आपने ऊपर कर रखा है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन सेलेक्ट करोगे ग्रेजुएट। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद आपकी डिग्री सेलेक्ट करनी होगी, आपने क्या कर रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग आपको सेलेक्ट करना होगा, जो भी है फ्रेंड्स आप सेलेक्ट कर देना, आपने कब यहाँ पर ये पास किया है। ठीक है, आपने जो ग्रेजुएशन जो भी आपने टेंथ करी की आपने कब पास की वो आप यहाँ पर ईयर सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस डिटेल यहाँ पर देनी होगी। ठीक है, एक्सपीरियंस डिटेल में आप देख सकते हो अगर आप फ्रेशर हो तो आप फ्रेशर सेलेक्ट कर लेना, अगर आपने कोई काम नहीं किया हुआ है तो आप फ्रेशर सेलेक्ट कर लेना, अगर आपने कोई काम कर रखा है पहले से तो आप एक्सपीरियंस पर क्लिक कर देना। या फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अदर डिटेल देनी होगी, जो भी फ्रेंड्स ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनको आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट है तो यहाँ पर आप यस करना। यहाँ पर आपके पास एम्प्लॉयड एट अमेजोन, आप पहले से अगर आप अमेजोन में आपने कभी काम किया है तो आप यस करना, वरना आप नो पर सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक फ्रेंड्स, ये कंप्लीट है, डिटेल आपको फिल करनी है। इसके बाद आपको अपना अगर आपके पास पैन कार्ड है, पैन कार्ड है तो आपको यस करना है, वरना नहीं है तो नो करना है तो आपको यहाँ पर पैन कार्ड के नंबर एंटर करने होंगे और आपका पैन कार्ड का एक फोटो यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको अपना आधार कार्ड आपके पास है तो यस करना है और आधार कार्ड का नंबर डालना है और यहाँ पर फोटो अपलोड करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करना होगा, जिसकी MB 3 MB के अंदर ये फोटो होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपको इस आई एग्री पर टिक करना है, टिक करने के बाद आपको आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे आपको 48 आवर्स या आपको 3 या 4 दिन के अंदर आपको कॉल आ जाएगा और आपको जॉब मिली होगी तो आपको यहाँ पर कॉल के द्वारा या मेल के द्वारा आपको पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप काफ़ी जो अदर जॉब है इनमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना। उससे पहले आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसका आपको डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना है कि इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए।
फ्रेंड्स ये आपको पढ़ने के बाद यही फायदा होगा कि आप यहाँ पर कंप्लीट, जैसे फ्रेंड्स देखते हो इसमें भी 10+2 ही चाहिए। तो फ्रेंड्स ये सभी जॉब यहाँ पर 10+2 या ग्रेजुएशन के लिए है। तो बस उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए, और आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।